लॉगरिथम्स। आप लोगों ने कहीं ना कहीं लॉगरिथम्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा, ज़्यादातर आपने देखा होगा लॉग टू द बेस 10 के बारे में। लॉग टू द बेस 10 ऑफ 10 इज इक्वल टू 1, लॉग टू द बेस 10 ऑफ 100 इज इक्वल टू 2। लेकिन क्या कभी आपने एक स्पेशल टाइप के लॉग के बारे में पढ़ा है जिसके बेस में 10 नहीं होता बल्कि ई होता है, और लॉग टू द बेस ई को हम कहते हैं नेचुरल लॉग, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं ln। तो ये जो बेस होता है ई, इसी नंबर के बारे में हमको आज समझना है। ई जिसको हम आयलर नंबर के नाम से जानते हैं, जिसको सबसे पहले लियोनार्ड आयलर ने डिस्कवर किया था जब वो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे जो कि जैकब बर्नौली ने प्रपोज की थी। मतलब जैकब बर्नौली की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते लियोनार्ड आयलर ने ई को डिस्कवर कर दिया। अब अगर हमको ई को समझना है तो हमें पहले ग्रोथ के बारे में समझना पड़ेगा। ग्रोथ क्या होता है? तो ग्रोथ को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक बैंक है जो कि हमको 100% इंटरेस्ट दे रहा है। 100% इंटरेस्ट का मतलब होता है कि वो हमारे पैसे डबल कर दे रहा है, ठीक है। मान लीजिए मैंने अपनी बैंक में 1 रुपये जमा कर दिया, तो 100% इंटरेस्ट के हिसाब से मेरे बैंक में एक साल में अमाउंट हो जाएगा 2 रुपीस। ऐसे ही 2 साल में मेरे बैंक में हो जाएंगे 4 रुपये। ऐसे ही 3 साल में मेरे बैंक में हो जाएंगे 8 रुपये। मतलब अमाउंट डबल होता चला जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने 1 जनवरी को अपने बैंक में 1 रुपये जमा किया तो अगले साल को 1 जनवरी में मेरे बैंक में हो जाएंगे 2 रुपये। ऐसे ही अगले साल 1 जनवरी को मेरे बैंक में 4 रुपये हो जाएंगे। ऐसे ही अगले साल 8 रुपये। लेकिन एक मिनट, नेचर में तो ऐसा ग्रोथ नहीं होता है, ये तो डिसकंटिन्यूअस टाइप का ग्रोथ है। इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक प्लांट है जिसकी हाइट मैंने मेजर की तो वो आई 5 सेंटीमीटर। अब क्या ऐसा हो जाएगा कि किसी स्पेसिफिक डेट को मेरे प्लांट की हाइट एकदम से 10 सेंटीमीटर हो जाएगी? जी नहीं, मेरा प्लांट नेचुरली ग्रो करेगा। इसको हम कहते हैं नेचुरल ग्रोथ। हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड कुछ ना कुछ मेरा प्लांट ग्रो करता है, और नेचुरल ग्रोथ को ही शो करता है हमारा नंबर ई। तो आइए एक बार ई की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अब आप उसी बैंक को याद कीजिए जो कि हमको 100% इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन इस बार मैंने इंटरेस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 6 महीने में मेरा बैंक मुझको 50% इंटरेस्ट दे रहा है, और 6 महीने में और 50%। तो इस बार मैंने बैंक में 1 रुपये जमा किए तो 50% इंटरेस्ट के हिसाब से 6 महीने में मेरे अकाउंट में बैलेंस हो जाएगा 1.5 रुपीस, और 6 महीने में यानी कि पूरे 1 साल में मेरे अकाउंट में बैलेंस दिखाएगा 2.25 रुपीस। अब आप देख रहे होंगे ये जो अमाउंट है ये पहले वाले अमाउंट से ज़्यादा है। पहले 1 साल में मेरे बैंक का बैलेंस होता था 2 रुपीस, लेकिन जब हमने टाइम को डिवाइड कर दिया तो मेरा बैलेंस पहले से ज़्यादा हो रहा है 2.25 रुपीस। अब मैंने इंटरेस्ट को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि मेरा बैंक मुझको हर 3 महीने में 25% इंटरेस्ट दे रहा है, तो टोटल 100%। तो इस हिसाब से मेरी बैंक की ये वैल्यूज होंगी, और साल के लास्ट में मेरे बैंक में होंगे 2.44 रुपीस, यानी कि पहले से भी ज़्यादा अमाउंट। इसका मतलब ये हुआ कि आप टाइम बढ़ाते जाइए और अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो इस बार हमने 10 टाइम्स बढ़ा दिया, 100 टाइम्स बढ़ा दिया, 1000 टाइम्स बढ़ा दिया, या फिर मान लीजिए हमने 10 लाख टाइम्स डिवाइड कर दिया टाइम को। तो फिर आप जानते हैं हमारे बैंक में कितना बैलेंस होगा? हमारे बैंक का बैलेंस होगा 2.718280, और यही हमारी ई की वैल्यू है। जी हाँ दोस्तों, आप जितना ज़्यादा टाइम को डिवाइड करते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू आपको ई की मिलेगी, क्योंकि ई एक इरेशनल नंबर होता है, वो इनफाइनाइट तक चलता है, उसकी वैल्यूज कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। अब हम ई को एक दूसरे तरीके से समझते हैं। मान लीजिए हमने एक नंबर मान लिया 10, और उसके हमने 2 इक्वल पार्ट कर दिए, 5 और 5। अब इन दोनों पार्ट्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिला 25। अब हमने 10 के 3 इक्वल पार्ट किए तो 3 होल 1/3 के 3 पार्ट हमें मिल गए, और इन तीनों पार्ट को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो इस बार हमें मिला 37, मतलब पहले से बड़ा नंबर। अब हमने 10 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो 2.5 के 4 पार्ट आ गए।
इन सबको हमने मल्टीप्लाई किया तो इस बार हमें मिला 39, पहले से भी बड़ा नंबर। अब हमने 10 के 5 इक्वल पार्ट किए तो 2 के 5 पार्ट आ गए। जब हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो इस बार हमें छोटा नंबर मिला 32। तो इसको देखकर हमारे दिमाग में एक बात आ गई कि किसी भी नंबर के कोई ना कोई ऐसे पार्ट्स तो होते होंगे जिसका आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमें मैक्सिमम पॉसिबल आंसर मिलेगा। तो वो कौन से पार्ट्स होते हैं? तो इसको देखकर हमें समझ में आया वो वाले पार्ट्स होते हैं जिनकी वैल्यू ई के आसपास होती है। जैसे कि हमने 10 को 4 पार्ट में डिवाइड किया था तो 2.5 आया था और 2.5 ई के पास है, इसलिए हमें मैक्सिमम पॉसिबल आंसर मिला 39। तो किसी भी नंबर से हमें मैक्सिमम पॉसिबल आंसर निकालना है तो उनके पार्ट्स को ई के आसपास डिवाइड करना चाहिए। इन सबको देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि नेचर में जहां कहीं भी ग्रोथ होता है वो ई के हिसाब से होता है। नेचुरल ग्रोथ ई के हिसाब से होता है, और केवल ग्रोथ ही नहीं, रेडियो एक्टिव डिके भी ई के हिसाब से ही होता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव डिके भी एक नेचुरल प्रोसेस है। तो ई की फॉर्मल डेफिनेशन क्या होगी? तो हम कह सकते हैं ई इज द मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्ट वी कैन गेट आफ्टर कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग ऑफ 100% ग्रोथ ओवर वन टाइम पीरियड। मतलब कि किसी भी पैसे का मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्ट जब उस पर 100% रेट लगा हो एक टाइम पीरियड के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द फेमस इररेशनल कॉन्स्टेंट ई।